हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो मेरे जो रीसेंट व्लॉग है उसका है पार्ट टू, सो एंजॉय वॉचिंग। एंड अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके देखिए। टाटा, हेलो। आज है हल्दी और बारात और हम लोग रात से गप मार रहे हैं और सुबह हो गई है और अभी भी गप्पे खत्म नहीं हुई है। ये है मेन गप्पों के मास्टर। तैयारी शुरू भी हो गई है हा? और ये देखो कितनी सुंदर चाय पिलवा रही है। मैडम बुआ कैमरे के लिए चाय पिला रही मम्मी को। बड़ा ही मैं भूल आया मटरी चल रही है। कहाँ चल रही है? डेकोरेशन हो रही है। चले ऊपर ही चले। मैंने तो कल सुबह जाना है बुआ, मेरी छुट्टी कल की है। मम्मी लोग रुक जाएंगे, मम्मी लोग रुक जाएंगे अगर रुकना है तो, पर मैं और मामा तो जाएंगे। कैसा लग रहा है तेरे को आज से तेरी दुनिया बदलने वाली है? मैं मार्स में जाऊंगा। इट्स गोइंग टू चेंज। मार्स में जाऊंगा शादी करके? आपने तो बोला दुनिया बदलने वाली है। तू से प्लेनेट पे शिफ्ट हो रहा है? हां, इस दुनिया में नहीं रहना, इस गोला में नहीं रहना। ये पिरामिड्स? हां, ये इजिप्ट के हैं। हां, और ये वाला? ये तो ऐसे ही है, छोटा मोटा। ये जॉनी वॉकर? ये तो दारू का है। ये साउथ अफ्रीका के हैं सारे, ये तीनों चार। ये वो ग्रीस? ये ग्रीस सेंटोरिनी का। सेंटोरिनी। और ये पीसा का है। हाँ। ये पिरायूस का है। एथेंस का है। हाँ। और ये ऊपर ये जो शिप पर है कौन सा? ये भी इधर ही गई है, यूरोप में कहीं साइड में। ओके। और बाइक्स? वो बाइक्स घर की है। ये कोर्ट है वहाँ का। कहाँ का? इजिप्ट का कोर्ट है। 14 जूरी बैठे हैं। और पनिशमेंट किसको मिल रही है? इसमें से जो जूरी डिसाइड करती है, ये 14। अगर 8 प्लस में हो गए तो उनको हेवन मिलता है। ये हेवन जा रही है। मेन कौन सा है इसमें 14 में से? वो जूरी बैठी है। अच्छा, वो ऊपर मेन है। हाँ। इसमें से अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया हाँ तो हेवन जाएगा, नेगेटिव आया तो ये हेल लेके जाएगा। ओके। अच्छा, वो हेवन में जो वाइट पहना है जिन्होंने और ये हेल, बराबर डिसीजन आया 7-7 का तो ये बंदा जो है ये इसका हार्ट है, उस बंदे का हार्ट निकालेगा और यहाँ फेडर रखेगा तो तराजू और उसको नापेगा। अगर तुम्हारा हार्ट ज्यादा वो हो गया तो तुम्हारा दिल काला है, तुम्हें हेल लेके जाएगा। ये क्या बात हुई यार। ऑब्वियसली फेदर और दिल में तो दिल ही भारी होगा। नहीं, इसमें फेदर भारी है तो ये इसको हेवन लेके चला गया। ये कहाँ से ली तूने? ये भी इजिप्ट से। Thank you.
चलो बच्चे नॉट अलाउड ओनली बड़े मम्मी कहाँ जा रहे हो बुआ कहाँ जा रहे हो इंट्रो कहाँ घूमने बैग लेके पार्लर बस पूछ कर आ जाते हैं कि गर्ल हो जाए हंसी हंसी कर दो हंसी हंसी कर दो हंसी हंसी कर दो चलो हम भी बता दें चलो ये तो YouTube पे जाएगा आपने क्या बोला दो कल ये जाएगा यही जाएगा यही यही है वो आदमी मामा ये तो मैं डालूंगी अच्छा अरे क्रीम नहीं आपके हाथ में क्रीम नहीं है मामा वो बुआ की अलमारी है अंदर उसमें जी जी आ गया मौसा जी आ जाओ हल्दी का फंक्शन ओवर होते ही हम लोगों ने किया लंच उसके बाद हम लोग लग गए शाम की तैयारी में यानी बारात के लिए सो मम्मी और बुआ गए थे पार्लर रेडी होने और मैं बाद में जाने वाली थी क्योंकि मुझे मेकअप नहीं करवाना था जस्ट हेयर स्टाइल बनवाना था सो अराउंड 5 बजे मैं गई पार्लर मम्मी और बुआ ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे और मैंने जो पार्लर वाली दीदी उनको बताया मुझे कैसा हेयर स्टाइल चाहिए सिंपल सा बेसिक सा एकदम ब्रेड्स वाला जो मैंने वानू के बर्थडे पे बनवाया था सो मुझे कुछ और एक्सपेरिमेंट नहीं करना था अपने बालों के साथ तो मैंने बनवाया सिंपल सा ब्रेड्स वाला हेयर स्टाइल एंड मेरे पास कुछ एक्सेसरीज थी मैं वो लेके गई थी और उनको बोला कि मेरे बालों पे आप लगा दो एंड आई वाज गुड टू गो एंड आई वॉज हैप्पी कि जैसा मैंने उनको एक्सप्लेन किया था हेयर स्टाइल के बारे में उन्होंने वैसा ही बनाया एंड पीछे से देखने में कुछ ऐसे लग रहा था मेरा हेयर स्टाइल एंड उसके बाद फटाफट से आ गई थी मैं घर थोड़ा सा किया अपना लहंगा और हेयर स्टाइल फ्लॉन्ट करवाया थोड़ा सा फोटोशूट उसके बाद मैंने ली मम्मी बुआ मेरी कज़न है रीना और ताई जी वगैरह सबकी खूब सारी पिक्चर्स कहाँ तेरी शेरवानी बहुत मस्त लग रही व्हाइट आइवरी ना आइवरी बोलते हैं ना इसको नहीं सिल्वर लाल कहाँ से दिख रही है अभी मैं नजर आया भूल गया क्या हमारी पुरानी फोटोज भी हैं पहले की उसके बाद अराउंड 8 हम सब लोग आ गए गेट की तरफ वहाँ पे होना था माला चढ़ाई हमने जो हमारा दूल्हा है अंकित सबने उसको माला वगैरह चढ़ाई उसके बाद बारात को निकलना था
उसके बाद हुआ बैंड बाजे के साथ और जो हमारे गढ़वाली ढोल दमा होते हैं उस पर बारात वाला डांस, खूब सारा डांस किया और हम लोग निकल पड़े अपने घर से बारात लेकर। मैंने काफ़ी सालों बाद अपने मायके की कोई शादी अटेंड करी है, मतलब कहीं मैं आउट ऑफ देहरादून गई हूँ। एंड दैट टू हम लोग बारात में गए थे एक बस में, क्योंकि जहाँ पे मेरी बुआ का घर है द्वारका, वहाँ से जहाँ हमें वेन्यू पे पहुँचना था वो था अराउंड 8 to 10 kilometers। सो हम लोगों ने हम लोग बस में बैठे और वहाँ से गए हम वेन्यू पे। सो Oh.
हमारे यहाँ जब दुल्हन विदाई होके ससुराल आती है तो सुबह होता है सासू भेंट का फंक्शन, यानी जो बहू सास के लिए कुछ भी अपने मायके से लेके आई है, कोई भी गिफ्ट, साड़ी या कुछ भी, वो उनको देती हैं, और जो सास या बहू से बड़े, लड़की से बड़े जो भी होते हैं, वो उसके लिए जो कुछ लेकर आए वो उसको देते हैं। गाना खुशी चल रही है वो। आज से ही पर्सनल वो शुरू हुआ। देखो पैरों पे क्या है उनके, दोनों झुक जाओ भाई। वो खड़े हो जाओ। हाँ पहले मेरा डब्बा दे दो, पहले मेरा डब्बा दे दो, तब तुम वो आगे। कल से वही बोलेंगे। जैसे मोटी पेन रिश्ता बताओ कौन सी सास है। सासी है बस, मोटी सास है। धन्यवाद मैं बोलती हूँ। क्या दिखा जरा, डब्लू पकड़ा भाई, वो तो पकड़ा डब्लू डब्लू गड़बड़ जाना। शादी के सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट हो गए थे पूरे और हमें निकलना था देहरादून के लिए वापस। सो सुबह हम लोगों ने देखी थी अमन, जो मेरा कज़न है, अमन अंकित, वो दोनों ट्विन्स हैं। तो जो अमन है उसकी वेडिंग हुई थी 2022 में, और उस टाइम वानी जो थी वो पैदा ही हुई थी, अराउंड 3 मंथ्स की थी, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो सुबह हमने देखी थी उसकी वेडिंग एल्बम, और अभी हम सब लोग बैठ के देख रहे थे उसकी वेडिंग की वीडियो। और अब जब बहू के आने के बाद लास्ट फंक्शन बचता है वो होता है धारा पूजन। हमारे घर पे जो भी कोई नल होता है या आपका पानी का कोई भी सोर्स है, तो जो नई बहू आती है वो उसकी पूजा करती है, उससे पानी भर के ले जाती है और घर की सारी फीमेल्स को पिलाती है। ऐसे हाथ टच कर ले, 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 पीछे हो गया।